और अब खबर इंदौर से है, जहां के द्वारिकापुरी में मंगलवार दोपहर एक अजीब मामला सामने आया। यहां एक मैरिज गार्डन में नीमच से आई बारात कुछ ही घंटों में बिना दुल्हन लिए वापस लौट गई। दरअसल दुल्हन के प्रेमी ने दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को लड़की के साथ अपने कुछ फोटोज और मैसेज भेज दिए थे, जिससे दोनों परिवार में कहासुनी हुई और बाद में बारात वापस लौट गई। इसके बाद वधु पक्ष ने प्रेमी से बात करके उसे शादी के लिए राजी किया, लेकिन बाद में वो भी मुकर गया। प्रेमी के खिलाफ रेप समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एडिशनल DCP प्रशांत चौबे के मुताबिक द्वारिकापुरी में मंगलवार सुबह नीमच से बारात आई थी। यहाँ कुछ देर बाद ही शादी की खुशियों के बीच विवाद शुरू हो गया। देपालपुर में रहने वाले लड़के शुभम जैन ने बारात आने के बाद दूल्हे को लड़की के कुछ फोटोज भेज दिए, जिसके बाद वो नाराज हो गया। बात बढ़ी और दूल्हे के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे। यहां थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी ने आपस में मामला सुलझाने की समझाइश दी। करीब 1 बजे तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन दूल्हा शादी के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद वो बारात लेकर वापस लौट गया। दुल्हन के परिवार ने इस मामले में शादी तुड़वाने वाले प्रेमी शुभम का नंबर निकाल कर उसे फोन किया। उसे बताया कि बारात वापस लौट गई है, अगर वो लड़की से प्यार करता है तो इसी मंडप में आकर शादी कर ले। शुभम पहले तो शादी के लिए राजी हो गया और अपने भाई के साथ इंदौर आने की बात करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो मुकर गया। उसने भी शादी से इनकार कर दिया। वहीं शुभम के पलटने के बाद परिवार फिर थाने पहुंचा, जहां TI सतीश द्विवेदी ने शुभम से बात कर इंदौर आने के लिए कहा, लेकिन उसने अपना फोन बंद कर लिया। वहीं दुल्हन के परिवार के लोगों ने देपालपुर आने की भी बात कही, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुभम के खिलाफ रेप, IT एक्ट और छेड़छाड़ सहित अन्य मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है। गंदे फोटोज जो है दूल्हा को भेजे और उनके परिवार वालों को वायरल किए, उसके बाद शादी करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया है। जो लड़की का पक्ष है उन्हें लड़के वालों से कोई आपत्ति नहीं है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।